तेल जो के अंदर गिरा था होती है बड़ी बड़ी चिरमटी है। नानी घर आके थोड़ी देर आती है। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि अभी अभी पायल का फोन आया था कि मम्मी हम निजामुद्दीन दरगाह में हैं, तो अभी आधे घंटे तक आपके घर पहुंच रहे हैं। तो मेरे को पता था ये दिल्ली तो आ रखे हैं, बस मुझे ये वेट था कि कब आएंगे। तो अभी अभी उनका फ़ोन आया है तो मैंने कहा चलो फटाफट नहा धो के मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। ये दुकान पे जा रहे थे तो इन्होंने कहा कि पायल और भाई संदीप आ रहे हैं, साथ में सूरज भी है, और कह रहे हैं मैं छुट्टी कर लेता हूँ, कोई बात नहीं भाई आ रहे हैं तो मैं दुकान पे दोपहर को चला जाऊँ, शाम को चला जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो मैं जब तक कहते मैं जब तक कोई बता दे कोई काम वाम करना है, तो मैं कहा काम तो कोई नहीं है, तो मैं कहा चलो मैं रोटी की तैयारी करती हूँ, बच्चे आएंगे तो फटाफट जब तक खाना बनाती हूँ। अभी अभी संदीप का फ़ोन आया था कि मम्मी मनदीप जायसवाल जो है, जिसको आप जानते हो, मनदीप जो संदीप के फ्रेंड हैं, तो वो आ रहे हैं, तो उन्होंने चंडीगढ़ जाना था। तो संदीप ने कहा होगा कि मैं मम्मी के घर जा रहा हूँ तो आप वहीं पर आ जाओ, तो हम इकट्ठे निकल पड़ेंगे। अब वो कई बार हमारे घर आए हैं मगर रास्ता नहीं पता चलता, तो उन्होंने इन्होंने समझा दिया है कि कैसे आना है। तो कहते हैं बाहर गली में ऑटो वालों को समझा दिया है कि कहाँ पर छोड़ना है, और ये अब इनको लेने गए हूँ मैं मनदीप भैया को, कह रहे मैं ले आता हूँ मनदीप को। तो अभी संदीप को आने को तो 15-20 मिनट है, तो मैं मनदीप को भी लेके आ रहा हूँ, तो ये मनदीप को लेने के लिए गए हुए हैं। आज सुबह आ गई, पहली बार है। सुबह आओ जी, आओ तुम। अच्छा सूरज भी आ गया ना? सूरज नहीं, वहाँ पे गाड़ी नहीं आ रही है शायद, आए पता। नमस्ते भाभी, बड़ी हो गई थी अब। तो नानी ने इतना प्यारा स्वागत किया है बेटी का ना, तेल चौके अंदर गिरा था। और यहाँ पे हम लोग जब छोटी चाची से मिलने आए थे, क्योंकि आपको पता है इस घर की सिचुएशन अभी क्या चल रही है, तो जैद के लिए जो मन्नत मांगी थी वो मन्नत पूरी करने के बाद सीधा हम यहाँ पे आए कि मम्मी से भी मिल लेंगे और सुबह भी वो नानी के घर हो आएगी। तो बस अभी अभी आए हैं यहाँ पे, खाना वाना खाया है, मम्मी ने पनीर की सब्जी दाल रोटी बनाई थी वो खाया है, अब थोड़ी देर में नहीं। और ये जो तूबा है ना, मुझे इतना परेशान कर रही है, इतना परेशान कर रही है, गाड़ी में भी परेशान कर रही है, यहाँ पर भी देखा कल रोना ही नहीं चुप हो रहा है, समझ नहीं आ रहा सो कैसे। तो यहाँ पे जो है मम्मी ट्राई कर रहे हैं उसे चुप कराने की, पर मैं मम्मी को कह रही हूँ ये चुप नहीं होती, ये बड़ी बड़ी चिरमटी है, ये बड़ी अपने मन से चुप होएगी, अपने मन से चुप होएगी मम्मी, ऐसे नहीं होएगी। तूबा को मिलने के लिए देखो सारे आए हैं, चाची आई हैं, पर निक्की चाची नहीं है, वो जरा ऑफिस चली गई है, बातें करनी है, रो रही है, इसको आइए नींद नहीं, रोज ऐसे नींद आई है, खुश है चाची के साथ। देखिए छोटी स्कूल से आ गया तू है, स्कूल से अभी है, स्कूल से अभी है, तो रौनक तो अभी स्कूल से आया। अच्छा चाची के पास चुप कर जा अब तूबा जी, ये सोएगी, मैंने कहा था ना सोती हुई आई थी। भाई अभी जल्दी है चंडीगढ़ के लिए, चलो जल्दी जल्दी से सब अपने ब्लॉगिंग करने में लगे हुए हैं, सबके सब चलो पायल आज जैसे आए हो अगली बार वैसे मत आना, अब 2-4 घंटे बैठना। अच्छा कह रहे हैं नानी घर आके थोड़ी देर आती है, अब मैं आऊंगी, 2-3 दिन बाद जैसे मिले, हाँ आऊंगी मैं, चलो ध्यान से जाना और फोन कर देना पहुंच के। हाँ मैं पहुंच के फोन करती हूँ। चलो छोड़ा वो बाहर तक, मनदीप भैया आगे आगे चल रहे हैं। अभी अभी ये पार्सल रिसीव हुआ है मुझे, तो अभी नाम नहीं लिखा है, खोल के मैं देखती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि मेरे को क्या हुआ, क्या मतलब क्या है इस पार्सल में, खोल के आपको दिखाती हूँ। हेमा तू मम्मी घर चली गई, हाँ, और पीछे से संदीप और तूबा और क्या नाम है इसका पायल अच्छा। मनदीप
और वो सूरज सब आए थे, तूबा पहली बार आई थी। अच्छा, मैं कहती हूँ तूबा, तू सोचेगी जब तूबा पैदा हुई थी और अब मैं तूबा में बहुत फर्क आ गया। तूबा इतनी मतलब कि हरकतें करती है, शरारत करती है, हंसती है, जैसे तू उससे बात करेगी ना तूबा, वो हंसने स्माइल करने लग पड़ती है, बड़ी प्यारी लग रही। तू मम्मी घर चलेगी, सोनिया डाली आए थे तो वो मिल गए और पायल कहती थी मुझे निक्की भाई चाची से मिलवा दो, चलो आशु चाचू का मैं बोलूँ तो निक्की ऑफिस जा रही है, तो मिल ही नहीं है। हाँ मैंने कहा फिर कभी, अब तूबा कभी आएगी ना तो फिर मिल ली, और आयान नहीं आया। अच्छा, तूबा आई थी, चलो कोई नहीं दोबारा फिर कभी मिल लूंगी। हाँ क्योंकि तूबा बाहर का फीड नहीं करती ना, मम्मी का ही करती, तो इसलिए कहती तूबा को तो लाना जरूरी था, आयान मम्मी का ही नहीं करता बाहर का करता है। बाकी तुबा आएगी तो फिर कभी मैं तुझे बुला लूंगी। मैं तभी, मेरे को पता था तू मम्मी घर चली गई है, आए हैं फटाफट, ज्यादा बैठे ही नहीं है, मैं थोड़ी देर ही बैठे हैं। मुझे कह रहे हैं कि हम बाहर बाहर से चले जाते हैं, मिलो। मैं कह ऐसी तुबा मतलब तुबा नानी घर नहीं आएगी? नहीं, मैं तुबा नानी घर आएगी। हाँ तो बड़ा अच्छा लगा रहा है ना, दिल खुश हो जाता है। बस अभी अभी मैंने कच्ची अम्बी का अचार डाला है, तो दो अम्बियां डाली है, मैं ज्यादा नहीं बनाती, पहले दो अम्बी का अचार डाल लूंगी, उसको जाकर फ्रिज में रख दूंगी, अगर फ्रिज में नहीं रखो तो बाहर खराब हो जाता है, तो बहुत टेस्टी लगता है गर्मियों में। गाइस आप भी बनाएं ऐसे, और मैंने इस बार बिल्कुल छिलके उतार के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, क्योंकि बच्चे आसानी से ऐसे खा लेते हैं। आज सैटरडे है, चीना की छुट्टी है, तो गाइस चीना अपने लिए ये चद्दर लेके आई है कॉटन की। कहती है मम्मी आप जो लेके आते हो ना वो दूसरे टाइप की होती है, मैं कॉटन की चद्दर लेके आती हूँ, इलास्टिक वाली चद्दर है, जैसे आसपास सारा लास्टिक नहीं लग जाता। हाँ, लास्ट ये लास्टिक वाली चद्दर है गाइस, ये कलर की चद्दर है, बिल्कुल प्योर कॉटन की है, एक बेडशीट और दो पिल्लो कवर, और ये लाई है लास्टिक वाली। अब इसको बिछा के देखते हैं कि मेरे पास कभी भी, मेरे पास चद्दरें हैं लास्टिक वाली नहीं है। अच्छा, इसको इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप ही? हाँ, तो लास्टिक वाली है ना, कवर कर जाएगी, कवर कर लेगी। तो ये कॉटन की है, बिल्कुल प्योर कॉटन की है, अच्छी है। तो मैंने कहा चलो इस बार ये एक बिछा, अभी तो मैंने परसों इसकी नई बिछाई है। हाँ, तो मैंने कहा दो चार दिन बिछ जाएगी फिर ये बिछाऊंगी। गाइस बताना आपको कैसी लगी है, ये रजौरी गार्डन से लेके आई है ये वाली, अच्छी है, कलर बड़ा प्यारा है, कलर अच्छा है इसका, कलर बड़ा ऐसे ऐसे कलर अच्छा है, कलर अच्छा है। और एक ये टॉवल लेके आई है अपने लिए, अभी थोड़े दिन पहले ये टॉवल लेके आई थी, अब कहती है वो खराब हो गया। काफी बड़ा टॉवल ले आई, बड़ा ले आई है टॉवल। हाँ, काफी बड़ा टॉवल है, दो कलर है, ये पिंक अच्छा, और यहाँ पर इसका जामनी ब्लू, ये डबल मतलब डबल शेड का है, डबल शेड दो है, इधर से पिंक और इधर से ये काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, मगर चलो कोई बात। और सबसे सबसे अजीब मेरे को ये लगा है जो इसके टांगने वाला, देख वो जो हुक बना हुआ है, अजीब नहीं है, ये ऐसे ही होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, हुक से ऐसे टांग लेते हैं। अच्छा। मगर हम लोग तो ऐसे टांगते हैं ना, ऐसे हां मैं ऐसे टांगते हैं, वैसे ऐसे भी टंग जाते हैं। अच्छा, हुक से भी टंग जाएगा, हुक से भी टंग जाते हैं। एक ऐसे दो टॉवल लेके आई है, हैंड टॉवल, अच्छा ऐसे दो लेके आई है, एक उसने अपने पास रख ली है, कहती कभी हाथ उस साफ करने के काम आ जाता है, जो रोटी खाओ कुछ है कहीं में काम आ जाते हैं, तो कहती मम्मी एक आप ले लो, एक मैं ले लेती हूँ, तो मैंने कहा चल मैं रख लेती हूँ अपने। वो क्या रही थी मम्मी, कहीं ट्रैवलिंग वगैरह जाती है ना, तो छोटे टॉवल की जरूरत होती है, ट्रैवलिंग में जो पड़ती है तो छोटा टॉवल ही सही रहता, काम आ जाएगा, हाथ साफ हो जाएंगे। तो गाइस बताना कि ये चीना जो लेके आई है, और ये बिल्कुल मतलब कॉटन है, प्योर अच्छा है, मतलब इससे आराम से जैसे नहाओ दो तो कोई मतलब पानी सूख जाता है, सूख जाएगा। टॉवल अच्छा है, टॉवल अच्छा, कलर भी अच्छा, कलर भी अच्छा। बस कोको को भी रोटी दे दी है इसकी, कोको अपनी रोटी जल्दी खा लो, कोको अपनी रोटी, और पूछी की भी रोटी रख दी है इसके पापा ने, पूछी चलो फटाफट अपनी रोटी खाओ, जल्दी से जल्दी खा लो, खा लो रोटी खाओ, चल जल्दी खा रहे, एक को उसको अलग दो, उसको अलग दो, जल्दी खाओ, चलो फटाफट रोटी खा, पूछ नहीं लानी रोटी खाओ। दोपहर को दाल बनाई थी और साथ में फुलके बनाए थे, अब रात को सोचा कि थोड़े से चावल बना लेते हैं, दाल के साथ चावल टेस्टी लगते हैं, और 10 मिनट के लिए चावल को भिगो देती हूँ, उसके बाद इसको फिर 10 मिनट भीग के चावल अच्छे बन जाते हैं। सुबह मैं आपको दिखा रही थी कि मुझे पार्सल रिसीव हुआ है, तो मैंने अब खोला है तो इसमें से दो सूट हैं, दोनों सूट कॉटन के हैं और कलर बहुत मजेदार है, विद चुन्नी, और चुन्नी भी कॉटन की है। एक ये देखो, ये सूट है गाइस, ये देखो ये सूट है, ऐसे ये पूरा जैसे सूट है, बाजू वाला इसकी ऐसे है, और साथ में इसकी ये पैंट है जो कि कंट्रास्ट में है, पैंट है, और साथ में ये है कॉटन का दुपट्टा, कॉटन का दुपट्टा गर्मी में बहुत सही रहता है, बहुत मज़ेदार सूट है।
ये जो मुझे सूट मिले हैं साइशा स्पार्कल 24 की तरफ से हैं, बहुत अच्छा इनका जो स्टफ है कपड़े का बहुत अच्छा है। एक ये है गाइस, ये देखो एक ये सूट आया है, ये देखो ये फ्रॉक टाइप है ऐसे, इसमें नायरा कट है। हाँ नायरा कट, जैसे नायरा कट होते हैं ना, यहाँ से सारा खुला होता है। अच्छा, नायरा कट है और ये देखो ये सारा आगे फ्रिल्स है, मतलब फ्रॉक टाइप है, डियान डियान चेंज है इसका। हाँ इसका डिजाइन, तभी तो मैंने दो अलग अलग मंगाए थे, एक ये वाला मंगाया है और उसके साथ जो है वो पैंट है, वही पैंट स्टाइल है जो कि पूरा कंट्रास्ट में है। ये देखो ये ऐसे कंट्रास्ट है इसका, ये कंट्रास्ट। और चुन्नी वही वैसी कॉटन की है, यानी कि स्टफ इतना मजेदार है कि कॉटन का तो ये समझ लो एक प्रकार से तोहफा है, मतलब इतनी है। देखो चुन्नी है, चुन्नी चुभेगी नहीं, कुछ नहीं होगी। ऐसे पहन लो, ऐसे पहन लो, गर्मियों का तो तोहफा है, गर्मियों के लिए बेस्ट है, गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट सूट है। तो आप भी गाइज इनकी आईडी को फॉलो करो, मैं इनकी आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। तो साइशा स्पार्कल 24 इनका मतलब कि यूट्यूब पे भी है और इनका अपनी फेसबुक पे है और इंस्टाग्राम पे है। तो आप इनके सूट जाके इनका पेज देखें और आपको जो सूट पसंद आए आप फटाफट ऑर्डर करें और मंगाएं मेरे कहने पे एक बार, क्योंकि कपड़े की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। गर्मियों के मतलब गर्मियों कॉटन ऐसे अच्छे लगते हैं। और आपको पता भी 2-3 महीने की गर्मी है, गर्मी है, तो आप फटाफट इनका पेज फॉलो करें और जाके सूट 2-4-5 जितने भी मंगा सकते हैं आप। अभी क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी स्टार्ट हो जाएगी ना, हाँ, तो कभी रखड़ी आ जाएगी, कहाँ पर इतने भारी भारी सूट पहने जाते हैं। और एक बात है कि कपड़ा बहुत मजेदार है, बिल्कुल प्योर कॉटन, ह्यूमिडिटी में पसीना आता है तो जल्दी सूख लेगा, प्योर कॉटन। तो गाइस आप जरूर जाके मंगाए। जिन जैसे हमारे घर में जैद आया था तो हमारे घर में इतनी रौनक लग गई थी, जैद तो एक रात रहा था तो हमारे ऊपर सोनिया डॉली निक्की इतना मजा आ गया था, सारे बार बार जैद के पास आ रहे थे। आज तूबा चाहे थोड़ी देर के लिए आई थी मगर आज भी घर में रौनक लग गई थी, क्योंकि बच्चों से तो घर में है ही रौनक। और मैंने फिर बोला है कि पायल को, मैंने कहा आगे से आना तो कभी आप भी टाइम से मतलब ज़्यादा रहना, ये नहीं थोड़ी देर बैठे और चले गए, आप भी गोलू के साथ आओ हमारे घर में आके रहो, ताकि तीनों बच्चे जैद आयान तूबा बिल्कुल घर में रौनक लग जाएगी। बड़ा मज़ा आया गाइस आज तो, बहुत मज़ा आया। और आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी तरुण बसरा 9 उसको भी जाके फॉलो करो। और जो हमारे ब्लॉग हैं फेसबुक पे आते हैं फैमिली चैनल के नाम से, जिन्होंने हमें वहां पर फॉलो नहीं किया तो वहां पर जाके जल्दी से फॉलो करो। मिलते हैं आप कल आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।